नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय टीम के लिए साउथ अफ्रीका दौरे पर राहत की खबर है। टीम इंडिया को 16 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाना है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय टीम को बड़ी रियायत दी है। अब अफ्रीका पहुँचने पर भारतीय क्रिकेट टीम को कड़ी क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। वहां पहुंचने के बाद विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया सिर्फ एक दिन होटल के कमरे में आइसोलेट होगी। इसी दौरान खिलाड़ियों का 3 बार कोरोना टेस्ट होगा और निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद खिलाड़ी आइसोलेशन से बाहर आ सकेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से सेंचुरियन में पहला टेस्ट खेला जाएगा। अफ्रीका रवाना से पहले ही भारतीय टीम 3 दिन मुंबई में बायो बबल में रही। इस बीच खिलाड़ियों का 3 बार कोरोना टेस्ट भी हुआ। क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद भारतीय टीम चार्टर फ्लाइट के जरिए दक्षिण अफ्रीका की उड़ान भरेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम के साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहुंचने पर पहले से तय होटल में एक दिन क्वारंटाइन रहेगी और सेंचुरियन में अपने होटल के लिए रवाना हो जाएगी। भारतीय टीम 19 दिसंबर से सेंचुरियन में अभ्यास करेगी, जहां पहला मैच 26 दिसंबर से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ने के कारण बीसीसीआई ने भारतीय टीम खिलाड़ियों को परिवार को लेकर जाने की इजाजत नहीं दी है। जोहान्सबर्ग और सेंचुरियन में ओमिक्रॉन के नए केस लगातार सामने आ रहे हैं और भारत को इन्हीं 2 वेन्यू पर पहले 2 टेस्ट खेलने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।